मैं काफ़ी अरसे बाद वापस व्लॉगिंग पे आई हूँ। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, मेरे पेपर्स एक्चुअली चल रहे हैं और आज मेरा फर्स्ट पेपर था सिंधी का। इतना अच्छा हुआ, मेरे बहुत खुशी हुई। तो इसी के साथ हम ऊपर चलते हैं छत पे। हम आ चुके हैं ओपन। खामोशी लग रही आज। और हाँ, यहाँ पे ना एक नई शॉप खुली है, वोरा फैक्ट्री आउटलेट के नाम से। मुझे तो अच्छी लग रही है शॉप, लेकिन इन्होंने एक चीज़ की हुई, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लेट्स गो एंड देन। ये कबूतर अब हमसे बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी नहीं डरते, मतलब इतने ज़्यादा कोई फ्रेंडली हो गए हैं हमसे। ऐसे ना आपको नज़र आ रही होगी छोटे बच्चों की मतलब है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है ना, उससे मुझे इतनी हंसी आ रही थी। दिखाती हूँ, यहाँ पर रख के दिखाती हूँ। चलो जी, ये आप हैगा सही। रुको यार एक सेकंड, बस ये सेट कर लूँ। हाँ हो गया। ये आपको फैक्ट्री आउटलेट में आपको यू शायद नज़र ना आ रहा हो। हाँ यू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो असल चीज़ दिखानी है वो तो आपको दिख ही रही होगी, मतलब उधर लिखी हुई है ये रहा सेल, और इधर भी लिखा हुआ है रुपीज़, मतलब हर चीज़ 299, मतलब 300 से, मतलब हर चीज़ 300 की है। तो मतलब इतना कोई, मतलब मैं उधर गई, मतलब उधर अंदर नहीं गई, उधर पास से गुजरी, तो मुझे मैंने देखा इतने छोटे बच्चों के उधर कपड़े हैं और वो 300 रुपये, इतना ज़्यादा महंगा। 300 रुपये में छोटे छोटे, बहुत छोटे से एक माह के बच्चे होगा या फिर ऐसे ही कुछ, इतने छोटे बच्चों के उधर कपड़े मिल रहे हैं। लेकिन जो बात है, ये शॉप चल बहुत अच्छी रही है। जब से खुली है ना, बहुत सारी आंटियों को मैंने आते हुए देखा और बच्चों के साथ आती है। सच्ची में बहुत अच्छी तरह चल रही है मतलब ये शॉप। लेकिन सर मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, महंगे लग रहे हैं 300 रुपये का मतलब। और लिखा हुआ ऊपर से है कि सेल है। ये कैसी सेल है भाई, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो ऐसी सेल कभी नहीं रही। और मतलब सेल में भी हमें ही लूटा जाता है, कोई सेल वेल असली में मतलब वैसे नहीं होती कोई सेल वेल। जूम को बंद कर लेते हैं यार, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरा जूम ऑन है। अब आपको सही नज़र आ रहा होगा, मैंने मतलब जूम ऑन किया हुआ था, मेरे जहन में नहीं रहा, तो अब सही आ रहा होगा, मतलब जूम में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया होगा। मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे पेपर्स वगैरह चल रहे थे ये वो, तो है ना मेरा मतलब टाइम बहुत ज़्यादा, अरे क्या हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा है ना मतलब मसरूफियत में गुजर गया था, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और पता, मुझे पता चल गया नान का है ना वो क्यों मतलब अप से डाउन आ रहा है उसका वॉच टाइम, इसलिए क्योंकि वो बहुत टाइम लगा के वीडियोज़ अपलोड करता था। मतलब उसका जो ड्यूरेशन है ना एवरेज से भी लो लाइम्स पे आ गया, सही है। और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कुछ इसी तरह है। तो पता है एक्चुअली क्या हुआ था, वो ना बहुत टाइम में वीडियो अपलोड कर रहा था, तो इसीलिए उसके साथ ये हुआ था। मैंने भी यही गलती कर दी और अब मैं, मेरा भी मतलब 40 की कुछ लाइन में हो गया, वरना मेरा काफ़ी हद तक चले गया था ऊपर, और अब मेरा कम ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो अब मुझे इसको सेटल करने के लिए रेगुलर होना पड़ेगा, या फिर रेगुलर नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। यार आपको सोचा मैंने इसकी भी अपडेट दे दूं, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है, ज़्यादा कोई ख़ास चेंजेस इसमें आए नहीं हैं। क्या पता आ जाए कुछ चेंजेस इसके अंदर। आपको ये गली है ना ज़्यादा मतलब वो नहीं लग रही होगी, लेकिन अभी देखें हम कितना ज़्यादा ऊपर हैं। सोचा अगर यहाँ से फ़ोन गिरा है या फिर कुछ भी हुआ तो मतलब क्या हाल क्या होगा उसका।
जल्दी भाग के चलते हैं। शिट यार लेट हो गए, चलो इसे ही देख लेते हैं। रुक जाओ बस, हमें भी तो लेती जाओ, कहाँ जा रही हो, बल्कि छोड़ो यार, हम क्या करेंगे उसमें बैठ के। मुझे यहाँ से ना सारे फ्लोर्स मतलब साफ नजर आ रहे हैं। यार मुझे एक्चुअली लगता है कि ये जो ये वाला फ्लोर है ना, इसमें मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है कि इधर कोई रहता ही नहीं, और देख ले आप कोई सामान या फिर कुछ भी इधर नहीं है। खैर मुझे क्या। और ये जो ये वाला फ्लैट है, उस वाले की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इस वाले की फ्लैट की बात कर रही हूँ। इसमें भी अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ्लोर्स खाली खाली से हैं, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मुझे लग रहा है। और आसमान में माशाल्लाह से चांद निकला हुआ है, जो कि आप लोगों को आई होप सो नज़र आ रहा होगा। ये रहा यार, रमज़ान में कितना मज़ा आएगा, मैं आपको है ना अपनी रूटीन, अपनी नहीं मतलब सबकी रूटीन, सब में अन्नान शामिल है, अन्नान और अपनी दोनों की रूटीन आपको दिखाऊंगी, और बहुत मज़ा आएगा रमज़ान में। और हो सकेगा तो अफ्तारी भी दिखा दूँगी, वैसे कुछ कंफर्म नहीं कर सकती मैं अफ्तारी का, लेकिन शायद शायद वाली शायद से इंशाल्लाह। और ईद पे तो शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि मतलब इधर उधर घरों में जाते हैं ये वो, तो शायद ईद को व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि इतना बिजी रहे सर जो होता है, कभी उधर जाना है कभी इधर जाना है ये वो, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती हैं। वैसे तो हम पहले दिन इतना कहीं नहीं जाते, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ज़ाहिर है जाते ही है। तो अभी ईद तो उन फितर को छोड़ देते हैं, बकरा ईद जो है ना उसके अंदर मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी। और गाय बकरे ऊँट तो नहीं, ऊँट का कुछ नहीं कह सकते ना दम्बे का कुछ कह सकते, गाय बकरे वगैरह तो आपको दिखाना है इंशाल्लाह, दिखाऊंगी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल तो अन्नान भी दिखाएगा गाय बकरे वगैरह मतलब बाहर जाके पूरा। और रबी अव्वल में जो लाइटें वगैरह लगती हैं, इधर का जो एरिया है ना मतलब ये पूरी मस्जिद इतनी प्यारी लग रही होती है ना रात को, क्या बताऊँ यार। मैं कोशिश करूँगी मैं रात को, यार कैमरा जी बोल रहा है, रुको हाँ अब कुछ बेहतर है। मैं क्या करूँगी रबी अव्वल को है ना आपको दिखाऊँगी अंधेरे में नहीं मतलब इंशाल्लाह रात को, अगर मेरे अम्मी ने ज़्यादा दी तो मैं रात को है ना छत पर आके नहीं अपनी गैलरी से आपको दिखाऊँगी। इतनी प्यारी लग रही होती है ना मस्जिद, पूरा सजा हुआ होता है, इतनी रोशनी होती है, पूरे रोड वगैरह साफ होके सजे हुए होते हैं, झंडे वगैरह और पूरे लाइटिंग बहुत अच्छा, कोई खूबसूरत सा सजा हुआ होता है, इसके अंदर इतने प्यारे मतलब बल्ब लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, अच्छा लगता है मतलब पूरे घर के अंदर है ना रोशनी आ रही होती है, मस्जिद बहुत प्यारी लगती है उस वक्त में। और है ना उधर भी कुछ लोग है ना मतलब लगाते वगाते हैं, ये देखिए देसी जुगाड़ हम ये बोल रहे थे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया था तो उनके लिए बता रही कि ना यहाँ पे देखिए नीचे को है नहीं, बस हल्के से एक रॉड से ना अटका हुआ है, ऊपर वाले रॉड से अटका हुआ है, नीचे को कुछ भी नहीं है, अगर ऊपर वाला हटा तो धड़ नीचे किसी के भी सर पे। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो क्या कह सकते हैं, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यार चार मिनट इतना छोटा लग रहा है, जूम आउट करने से कुछ पता चल रहा है कि हाँ भाई कोई चीज़ है। ये रहा यार, मुझे कमेंट वगैरह नहीं आ रहे, आप लोग मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते होंगे, जब ये वाली आई बोलती होंगी चैट भाग गए, मैं भी असल में यही करती हूँ लेकिन मैं कभी कभार कर देती हूँ, सही है ऐसी बात नहीं हमेशा ये करूँ। तो यार आप लोग भी तो मुझे करें लाइक सब्सक्राइब, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, बस व्यूज़ मतलब आप लोग अपना देख के चले जाते हो, कुछ सपोर्ट भी करो, कोई कमेंट करो। और एक्चुअली आपको एक बात बता दूँ, वैसे मुझे अभी तक सिर्फ एक ही कमेंट नहीं दो कमेंट आए,
जो अननोन है मैं नहीं जानती। एक तो कैनेडा से था जो मैंने आपको बताया था कि वो फातिमा जिना जब हम गए थे वॉक पे, तो उसने मुझे कमेंट लिखा था कि आप ये कौन सी जगह किस जगह वॉक करते हैं आप, ये उसने लिखा था और आगे लिखा था वॉचिंग फ्रॉम कैनेडा, ठीक है। और एक मुझे एक और भी कमेंट आया था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था और मुझे अब याद भी नहीं क्या आया था। तो आप लोग यार मुझे कमेंट किया करो, मैं कमेंट पढ़ती भी हूँ और फिर उनका रिप्लाई भी करती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करती, मैं सारे कमेंट्स मतलब सारे नहीं, घर वालों के ही आते हैं, मतलब अनान भेजते हैं ज़्यादातर, ये उसका भाई भेज देता है, ये तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो मतलब यार आप लोग भी तो करो। और मैंने उन दोनों को भी जो थे उन्हें भी मैंने ना रिप्लाई किया था, मतलब वीडियो में भी बताया था, नाम भी बताया था, सही है। तो आप लोग मुझे क्या करो, ओ चीले कितनी आ गई हैं अभी कुछ देर पहले ना, चीले मतलब इस इधर इधर उड़ रही थी नीचे की साइड पर, अब ऊपर को उड़ रही हैं। और हाँ आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पता है हमें चीले क्यों मारने आ रही थी, मुझे ये बात है ना कल पता चली, लेकिन आपको शायद ना दिखा पाऊँ। लेट्स गो मूव ऑन। ये जो आप मीनार देख रहे हैं इधर, रियली मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, रियली इधर चील ने बच्चे दिए हुए, कैसे दिखाऊँ यार, फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उस दिन मैंने देखा तो मुझे नज़र आए। और ये एक्चुअली इंक लगी हुई है, आज पेपर था मुझे, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और इंशाल्लाह, और अभी फाइनल है। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अच्छी पोजीशन मिल जाए, अच्छे नंबर हासिल हो जाए, ठीक है। आज का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, तो इंशाल्लाह मैं आपको है ना शेयर ज़रूर करूँगी अपने पेपरों का। और मुझे पता ही चला बातें करते करते, मुझे लगा कि अभी हो ही होंगे 7 मिनट या कुछ मिनट, और ये हो चुके हैं 12 मिनट। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, बस बात को ये तक रखते हैं, इंशाल्लाह पे कल मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।